अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हमने हमारे पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें आपको समझ भी अच्छे से पड़ी होंगी एंड आपकी यूनिट टेस्ट बहुत अच्छी गई होंगी, क्योंकि हमने सिलेबस भी कम था एंड हमारा रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया था। और आप लोगों को कोई क्वेरी होती थी तो आप लोग पूछ भी लेते थे एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हो। आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। अब हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है धंधा की सेवा और भाग बे, यानी कारोबारी खिदमत। आज उसका हिस्सा दूसरा देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है बैंक। बैंक की एक सीधी साधी अगर तारीफ बयान करनी हो तो कैसी है, बैंकिंग नी सेवा आपनार संस्था ने बैंक कहवामां आवे छे। बराबर। अब दुनिया में सबसे पहली बैंक कहाँ पे शुरू हुई, कब शुरू हुई देख लेते हैं। दुनिया में सबसे पहली बैंक ईस्वी सन 1460 में जिनीवा में शुरू हुई थी। इटालियन लफ्ज़ है बैंको, बैंको पर थे बेंच लफ्ज़ उतरा और बेंच पर से बैंक लफ्ज़ बना। अब बैंक के काम क्या क्या होते हैं, है ना। बैंक के जो काम है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। सबसे पहला होता है मुख्य कार्य, दूसरा होता है गौण कार्य। तो जो हमारा सबसे पहला है मुख्य कार्य, उसमें हम देखेंगे थापण स्वीकार भी, थापण स्वीकार भी के बाद दूसरा है धिराण करूँ, तीसरा है रोकाण करूँ, चौथा है आंतर बैंकिंग व्यवहारों करवा। फिर गौण कार्यों में ग्राहकों ने नाणकीय व्यवहारों संभालवा, हुंडिया मंडल लगता व्यवहारों करवा, शाक पत्र आपवा, ट्रैवलर्स चेक आपवा, ड्राफ्टनी सेवा आपवी, बैंक साथ जोड़ेल व्यक्ति ने शाख अंगेनी माहिती आपवी, बाहेंदरी दलाल तरीके की सेवा आपवी, अन्य संबंधित सेवा पूरी पाड़वी, जेवी के एटीएम डीमैट सेफ डिपोजिट वॉल्ट की सुविधा। अब हम इन सारे कामों को तफसीर से देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है बैंकना मुख्य कार्यों में हम देखेंगे थापण स्वीकारवी। थापना स्वीकार भी, यानी जब हम हमारे पैसे रखने के लिए जाते हैं बैंक में तो बैंक हमारे पैसे रखती है ना, तो इसको कहेंगे थापण, थापण यानी हमारे पैसे। बैंक की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि वो हमारी जो बचत है, हमारे जो पैसे हैं उनको संभाल कर रखे, क्योंकि हमारा विश्वास, जो हमारा भरोसा है बैंक के ऊपर, उसको कायम रखना ही बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बैंक जो हमारी बचत अपने पास रखती है, जो सेविंग रखती है, उस पर ब्याज भी हमें देती है और इन ब्याज की जो शरह होती है, जो दर होता है, वो अलग अलग होता है हर एक बैंक में। बैंक किस तरीके से हमारे डिपॉजिट को अपने पास रखती है, चार किस्म के खाते हैं, बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और बांधी मुद्दत नु खाते। इन चारों खातों को हम बाद में तफसीर से देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमें बस इतना ही समझना है कि बैंक हमारी जो डिपॉजिट होती है उसको अपने पास रखती है, इस पर हमें ब्याज देती है मुकर्रर वक्त होने पर, और चार किस्म के खातों में हम हमारे पैसों का डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है धिराण करूँ। धिराण करूँ यानी क्या, कि हमें पैसे उधार देना। हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं ना, कितने ज़रियों से, दो ज़रियों से। कैसे, लोन द्वारा और दूसरा है ओवरड्राफ्ट यानी कैश क्रेडिट द्वारा। अब लोन में आपको पता है होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, है ना, कि हमें घर खरीदना है तो भाई होम लोन ले लो, कार खरीदनी है तो कार लोन ले लो, एजुकेशन हासिल करना है लेकिन अगर पैसों की कमी है तो एजुकेशन लोन ले लो। लेकिन आपको ज़रा सा कंफ्यूजन इसमें होगा ओवरड्राफ्ट यानी कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट यानी क्या, कि अगर किसी अफराद के खाते में जितने पैसे जमा हैं उस रकम से ज़्यादा रकम अगर वो बैंक से निकालता है उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। बराबर। जितनी उसके खाते में रकम है, पैसे हैं, उससे ज़्यादा वो रकम या पैसे उठा रहा है बैंक से, उसे कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का लेकिन जो वक्फा होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें हमें बैंक एक मुकर्रर वक्त दे देती है और उस मुकर्रर वक्त में हमें जो पैसे हमने ओवरड्राफ्ट किए हैं, यानी जो पैसे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, वो हमें उस उतनी ही मुद्दत में चुकते करने होते हैं या देने होते हैं। दूसरा होता है, तीसरा जो बैंक का काम है वो है रोकाण करूँ, यानी सरमाया करना।
बैंक में हर एक बैंक के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं कि उसकी जो कुल डिपॉजिट है यानी जो उसकी टोटल डिपॉजिट है, टोटल रकम है, उसमें से अमुक रकम यानी अमुक हिस्सा सरकारी जो जमीनगिरियाँ होती है उसमें बैंक को सरमाया करना होता है। हालांकि इसमें जो ब्याज की शरह है वो कैसी होती है, ज़रा कम होती है, लेकिन अगर बैंक पर कोई मुश्किलात पेश आते हैं या कोई सीरियस कंडीशन हो जाती है तो बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन डिपॉजिट को निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा काम बैंक का, अंतर बैंकिंग व्यवहारों करवा। बैंक आपस में भी व्यवहार करती है, बैंक आपस में भी मुजाहरा करती हैं। कैसे मुजाहरा करती हैं? अगर किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो दूसरी बैंक 24 कलाक या उससे कम वक्फे के लिए किसी दूसरी बैंक को पैसे देती हैं, बराबर। इसको कॉल मनी के नाम से जाना जाता है, यानी अगर किसी एक बैंक को पैसों की ज़रूरत है और वो किसी दूसरी बैंक से 24 घंटे या उससे कम वक्फे के लिए पैसे ले रही है उसे कहते हैं कॉल मनी। फिर आते हैं बैंक ना गौण कार्य यानी बैंक के मामूली अफ़आल। बैंक के मामूली अफ़आल में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ग्राहकों ना नाणकीय व्यवहारों संभाड़वा। पहले हमें क्या लगता था, ये क्या होता था कि बैंक के दो ही काम हैं, भाई पैसे रखना या फिर बैंक से पैसे उधार लेना। लेकिन आज आप देखो हम बैंक के ज़रिए कितने सारे काम कर सकते हैं, चेक के ज़रिए अपने पैसे चुकते कर सकते हैं या चेक के ज़रिए हमारे पैसे मंगवा सकते हैं कहीं से। आप देखो हम लाइट बिल भरते हैं बैंक के ज़रिए, फ़ोन का बिल भरते हैं, जो हमारा बीमा है उसका प्रीमियम भरते हैं, या फिर एक खाते में से एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये सारे काम अब हम किसके ज़रिए करते हैं, बैंक के ज़रिए करते हैं। उसके बाद है हुंडिया मरने लगता व्यवहारों करवा, इसका उर्दू लिख लेंगे ताबकारी से मुतालिक ट्रांसमिशन करने के लिए। हमें पता है कि दरामद और बरामद हमारे कारोबार में ज़रूरी हो गया है, लेकिन ये दरामद और बरामद की जो ट्रांसमिशन है इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, विदेशी हुंडियामन यानी जो विदेशी ताबकारी विदेशी पैसे होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमें लाने भेजने का काम कौन कर देता है, बैंक कर देती है, जिससे हमारा काम कैसा होता है, ईजी हो जाता है। और आज इंटरनेशनल लेवल पर अगर बिजनेस हो रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बैंक हमें इतनी सारी सहूलतें मुहैया करवा रही हैं। उसके बाद तीसरा है शाख पत्र, जिसको कहेंगे क्रेडिट का खत या लेटर ऑफ क्रेडिट। शाख पत्र क्या है? शाख पत्र एक बैंक दूसरी बैंक को जो लिखती है वो खत है या वो लेटर है। इस खत में बैंक क्या लिख के देती है, यानी जिस अफराद के बारे में बैंक लिख रही है वो अफराद मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर रकम चुकता कर देगा, बैंक को दे देगा, ये जिम्मेदारी ये गारंटी कौन ले रहा है, एक बैंक ले रही है, इसीलिए इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद आता है ट्रैवलर्स चेक आपवा, इसका उर्दू लिख लेंगे सफ़र के लिए चेक देना। हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाना पसंद करते हैं। अब सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे यहाँ के लोग विदेशों में भी घूमने जाते हैं। अब ऐसी जगहों पे जाना तो कैश लेकर जाना थोड़ा रिस्की लगता है लोगों को, तो ट्रैवलर्स चेक देकर बैंक हमारी यहाँ पर भी बहुत बड़ी हेल्प करती है। इसके बाद आता है डिमांड ड्राफ्ट की सेवा, डिमांड ड्राफ्ट की सर्विस। डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट यानी किसी एक बैंक किसी दूसरी बैंक को जो चेक क्लिक कर देती है उसे कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, किसी अफराद के नाम का चेक लिखा जाता है जिसको पैसे चुकते करने होते हैं बैंक को। वो चेक लेकर अगर वो अफराद दूसरी बैंक में जाएगा तो बैंक उसको पैसे दे देंगी, ये हुआ डिमांड ड्राफ्ट। इसके बाद क्या है, बैंक साथे जोड़ायल ग्राहक ने शाख अंगेनी माहिती आप भी, इसका उर्दू लिख लेंगे बैंक से मुंसलिक कस्टमर की मुंसलिक
कस्टमर की, क्रेडिट की मालूमात देना, बैंक क्या करती है अपने कस्टमर के साथ जो फाइनेंशियल ट्रांसमिशन है जिसको हम नाना के व्यवहार कहते हैं वो बार बार करती है, जिससे उसको उस ग्राहक की रेप्यूटेशन, उसका ओहदा वगैरह के बारे में भी मालूमात हो जाती है। तो जब अगर किसी ग्राहक को या किसी कस्टमर को किसी इदारे का या किसी पीढ़ी का विश्वास जीतना हो तो उसके पास से गारंटर मांगते हैं, तो बैंक हमारा गारंटर भी बनता है, जिसको कहते हैं सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये देने का काम भी, जिसको हम गुजराती में कहते हैं सद्धरतानु प्रमाण पत्र, ये देने का काम भी बैंक करती है। इसके बाद आए बाहेंदरी दलाल तरीके की सेवा। जब कंपनी मूड़ी बाजार में आती है तो उसे मूड़ी उघराना पड़ती है, पूंजी उघराना पड़ती है, तो उसे हमेशा एक डर लगा रहता है किसी भी कंपनी को कि जो रकम मैंने बाहर दी है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी मुझे, है ना। और अगर वो रकम ना मिले तो फिर कारोबारी इकाई को या कंपनी को अपना कारोबार करने में क्या होगी, मुश्किली होंगी। तो जामीनगिरी उस अफराद की लेना, ये काम कौन करेगी, कंपनी करेगी। हालांकि इस काम के लिए बैंक कमीशन लेती है, इसका हम उर्दू लिख लेंगे बाहेंदरी दलाल तरीके की सेवा, रिश्वत ब्रोकर के तौर पर खिदमत, रिश्वत ब्रोकर के तौर पर खिदमत। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अन्य संबंधित सेवाओं पूरी पाड़वी, दीगर मुताल्ले का खिदमत फरहम करने के लिए। आपको पता है कि बैंक अब हमारे लिए कितने काम करती है, हमें ATM देती है, डीमैट या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की खिदमत भी फरहम करती है। आप देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी खिदमत हमें कौन फरहम करती है, हमारी बैंक करती है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बैंक की तारीफ देखी और उसके अहम और दीगर काम देखे। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले पीरियड में बैंक के जो खाते हैं उनकी किस्में देखेंगे और बैंक की खिदमत देखेंगे।